दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक रैपर है एमीवे बंटाई, अपने गानों और बाकी रैपर्स के साथ भिड़ंत के लिए चर्चा में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। देश में अभी चल रहा है लॉकडाउन, हम सब जानते हैं, मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कोरोना वायरस से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि वायरस से बचकर आप निकल जाएं, लेकिन पुलिस को चकमा देना मुश्किल है। अब जब बाहर नहीं निकलोगे तो काम बंद हो जाएगा, अनलकी रहे तो वर्क फ्रॉम होम के हफ्ते भी चढ़ सकते हैं। तो जिस वर्क फ्रॉम होम का जिक्र हम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंक्लूडिंग हम, उसी दौरान रैपर एमीवे बंटाई ने एक गाना बनाया है। गाने का नाम है ख़त्म कोरोना। अब पहले आपको इसके रैप की कुछ लाइनें पढ़ाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ के बताती हूँ। कोरोना वायरस नहीं बेटा, कर्म है, धरती का गुस्सा है, सबको ही डरना है, अब से नहीं करना है पृथ्वी को गंदा, सबको छोड़ के अब घर बैठा बंदा, चल बेटा बन जा सही नागरिक, इंतजार है उस तारीख का कब होगा सही। इतना हमने आपको बता दिया, बाकी आप गाने में सुन लेना, लेकिन सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर थोड़ी भाषाई मर्यादा और कर्मा वगैरह वाली बातें छोड़ दी जाएं तो एमीवे का कहना एवे नहीं है। अपने रैप में कोरोना वायरस से बचने के तमाम उपाय उन्होंने बता दिए हैं। मोदी जी ने जो बात भाषण वाली टोन में कही थी वही एमीवे ने रैप में कह दी है, लेकिन पर्सनल है। गाने में एक लाइन है, फेमस होने का है तो मेरे को डिस कर। इस लाइन में उन्होंने पूरी रफ्तार से किया है शिकार। जी, आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। गाने में वीडियो से इसलिए उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि घर से बनाया गया है, शूट किए हुए हिस्से बहुत कम हैं। हालांकि जितने जिफ मीम सोशल मीडिया पर मिलते हैं वो आपको इस गाने में भी मिल जाएंगे। फ्रेंड से लेकर सेंटर फ्रूट, भूल भुलैया, जनता कर्फ्यू और श्रीदेवी से लेकर डफली बजाने तक इसे कोरोना एंथम कहकर प्रमोट किया जा रहा है। जिस बीमारी से दुनिया भर के हजारों लोग जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ उस पर गाने बन रहे हैं और इन्हें एंथम कहकर बताया जा रहा है। खैर, एमीवे रैपर रफ्तार के साथ अपनी तकरार को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा वो रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय में भी दिखाई दे चुके हैं। रफ्तार और एमीवे ने एक दूसरे को फटके देने के लिए कई गाने बनाए हैं जिन्हें डिस ट्रैक कहते हैं। इसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी वो गाना आप इस वीडियो जिसको देख रहे हैं आप, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक दिया है मैं स्टोरी का, वहाँ पर आप जाकर सुन सकते हैं। बाकी YouTube आपको सजेस्ट कर देगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए आपको पता है आपको यहीं बने रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, और अगर कुछ कॉमेंट्स हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक डॉट ललन टॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।